बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी खबर यह है कि आज आप पारा में भी जमानत कंफर्म हो गई है और 30 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट पंजाब बेंच में असल पता लगेगा कि कितने केसेस हैं और 9 तारीख को दहशतगर्दी की अदालत में 21 केसेस हैं। ये 68 केसेस बनते हैं। अल्लाह से पूरी उम्मीद है और अल्लाह सुभान तआला से उम्मीद है कि अल्लाह हमें इज्जत देगा, कामयाबी देगा और इन केसेस से ये झूठ पर मबनी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। 10 तारीख से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर। मेरा इत्तेहाद जो है वो अल्लाह के साथ है, अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा और कलम दुआत से इंशाअल्लाह ताला 2 सीटें रावलपिंडी की निकलेंगी। तरक्याती प्रोग्राम भाई, मुझे इलेक्शन जब चीफ जस्टिस काजी फायक ईसा ने कह दिया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मेरी क्या औकात है कि मैं कहूं कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। देखें, अवाम में जज्बा नहीं है, अवाम में भूख है, नंग है, महंगाई है। अब जो वोट मांगने जाएगा ना मेरे समेत, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की नहीं करता, जो वोट मांगने जाएगा ना उसको लग पता जाएगा। अगले ने बिजली का बिल बार लटकाया हुआ है, आटे का थैला भी लटकाया हुआ है और बच्चे की फीस का बिल भी लटकाया हुआ है। असल मसला माशी है। जो लोग ये समझते हैं कि लोग मर रहे हैं इलेक्शन के लिए, मैं लाल हवेली बैठा हूं, यहां से भी लाल हवेली जाऊंगा। लोगों के हालात जिंदगी उनके बस से बाहर हो गए हैं और इलेक्शन में सारी जिंदगी स्कूल से इलेक्शन लड़ा है, सारी जिंदगी स्कूल से इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो आवाम में नहीं है।